देख रहे सौदा आपका, मेरे साथ किरण जाधव बने हुए हैं। किरण, आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है आज? अपोलो टायर मुझे खास दिखाई दे रहा है और वैसे भी सारे टायर स्टॉक्स फायर कर रहे हैं। सीएट बहुत अच्छा बढ़ चुका है, एमआरएफ अच्छा बढ़ चुका है और अपोलो टायर ने पिछले 4 दिनों का जो मल्टीपल टॉप्स था उसको क्रॉस किया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अगर वॉल्यूम भी देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। एवरेज वॉल्यूम्स के दिन भर के वॉल्यूम से उनका 50% एक पहले एक घंटे में ही हो चुका है और डेरिवेटिव डेटा में भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन 7% की राइज देखने को मिल रही है। तो इन ऑल बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, इधर बाय करने की सलाह होगी। अपोलो टायर्स में 262 का स्टॉप लॉस सेज करूंगा, 264 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है, बहुत नजदीक वाला, और टारगेट्स के लिए 272 आज या कल तक देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक होगा अदानी एंटरप्राइजेस, इधर भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है प्रियंका जी। जो वॉल्यूम्स है वो पिछले 1-1.5 महीने का जो एवरेज वॉल्यूम है वो कंप्लीटली एक पहले घंटे में ही पूरा कर दिया है। इधर भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी करीबन 9% ओपन 10% ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर भी एक अच्छी मूव दिन भर में आ जानी चाहिए। तो इधर टारगेट करीबन रहेगा 142 के, जो कि आज या कल तक आ जाने चाहिए और स्टॉप लॉस 131 का रखना चाहिए। किरण, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी स्मॉल कैप कॉर्नर में शुगर स्टॉक्स पर। आज यहाँ पर अच्छा खासा हम बस देख रहे हैं, सक्ति शुगर, उगर शुगर हो या फिर राजश्री शुगर और श्री रेणुका, इन सब में अच्छी खासी बढ़त सुबह से लगातार बनी हुई है। आपका व्यू इन स्टॉक्स पर, कोई आपकी पसंद है टेक्निकल चार्ट पर इनमें? टेक्निकल चार्ट पे बेसिकली एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है 2-3 काउंटर में ही। अगर बड़े पैमाने पे देखेंगे तो बजाज हिंदुस्तान और धामपुर शुगर में ऊपर से बिकवाली देखने को मिल रही है, पर शक्ति शुगर में शायद अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और वो बेस्ट केस सिनेरियो में 32.50-33 तक जाने की उम्मीद है। अभी 30 रुपए 30 पैसे पे कामकाज हो रहा है। इस लॉन्ग ट्रेड के लिए मैं 29.50 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, जो कि करीबन 1 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। रेणुका शुगर में भी ऐसा ही कुछ रुझान देखने को मिल रहा है, रेणुका शुगर में भी एक बाउंस बैक ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12.70 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, करीबन 25 पैसे करंट 20 पैसे करंट लेवल से नीचे, और टार्गेट्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14-14.20 रुपए के टारगेट्स पर। बहुत बड़ी मूव आप एक्सपेक्ट नहीं करते, टेक्निकली नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़ी मूव आएगी अभी तक।